वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। जिंदगी विच भगती दो तरह की होंदी है, अहंग भगती और शरणागत भगती। अहंग भगती की होंदी है, धार्मिक काम करने शुरू हो गए पर मैं आ गई। अते शरणागत भगती की है, धार्मिक काम शुरू हो गए ने पर करन तो बाद भी शरण है कि तू किता है, तेरी कृपा हुई है। कईयां दी जिंदगी विच भगती बहुत हुंदी है, अमृत वेला हुंदा है, कई कई घंटे का सिमरन हुंदा है। जिसनों सिमरन बंदगी दी दात मिल गई पर सोझी नहीं, उस दियां गल्लां विचों मैं दी हंकार दी वो आवेगी कि मैं अमृत वेले जागदा हाँ, मेरा इन्ना सिमरन है, बंदगी है, मैं चंगा कीर्तनिया हाँ। बंदगी दी दात, अमृत वेले दी दात, नाम सिमरन दियां दातां जे कोई कहे मेरी सियानप जां उद्दम नाल ता नहीं, इहे उसदी कृपा है। जिसनों तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। कईयां दी जिंदगी विच हत्थी सेवा बहुत हुंदी है, कई सेवा बहुत करदे हन। सेवा करो पर जे सेवा कीती नूं थाए पाउणा चाहुंदे हो तां भुल के भी मान ना करना। मान आउण तों पहले इह सोच लैना कि जिस शरीर दे बल नाल सेवा कर रहा हाँ वह किसने दिता, निरंकार ने, अते उस दे दिते शरीर नाल सेवा कर रहा हाँ तां कादा मान। गुरु सिखी बरीक है, हरेक दे कोल कोई ना कोई गुण जरूर है। किसे कोल अमृत वेला है, किसे दा नितनिम बहुत है। कोई नंगियां दे तां टकदा है, कोई भुखे दा पेट भरदा है, कोई कीर्तन सिखाउंदा है, कोई बच्चियां नूं बाणी कंठ करवाउंदा है। जे सब कुछ करके मैं आ गई तां जिवें कागज पानी विच गल जांदा है, कीते कराए सारे भले काम वी गल जाणगे। सब कुछ करके निमाने निताने बन के रहना है, सेवक बन के रहना है, सब कुछ थाए पै जाएगा। तान हुंदे होए निताना, मान हुंदे होए निमाना, निमाना बन के रहना है। कदी भी कोई भला काम करके यह नहीं कहना मैं किता है, यही कहना है गुरु ने कृपा करके मेरे कोलों यह काम करवाया है। ऐसा न होवे सब कुछ करके कमाइयां करके जे इस तरह निताने अते निमाने बन के अरदास करोगे तां देखना किन्ना रस आउंदा है जिंदगी विच। किधरे ऐसा न होवे कि होमे दा पर्दा पै जावे अते गुरु तों दूर हो जाइए। इस मैं नूं होमे नूं नेड़े नहीं आउण देना। जे इह आ गई तां सब कुछ नाश हो जाएगा, किते पुन वी सड़ जाणगे। इंसान कोल गुरु दा बख्शिया कोई भी गुण होवे, जे उस नूं उस गुण ते मान हो गया तां गुरु नूं उस इंसान दी कोई परवाह नहीं। गुण होने जरूरी हन पर हंकार दे रहत। कोई गरीबां लोड़वंदां दी मदद करदा होवे तां डर के रहे रब कोलों कि ओह चाहे तां ओह मंगण वालियां दी लाइन विच खड़ा कर सकदा है। मन नूं इही सोची देनी है मैं ते खाली हथ आया सी अते खाली हथ ही जाना है। जे निरंकार दी दित्ती माया विच्चों उस दे अर्थ कुछ लगा रहा हाँ तां कादा मान। जतन करना इह जिंदगी सेवक बन के बीत जावे। जे धर्म दे मार्ग ते चले हो तां तुहाडे गुणां विच करतापन ना आवे। जिहड़ा गुणां दे हुंदियां होया हंकारी हो जावे कि मेरे वर्गा कोई नहीं, ओह अज भी डिगा ते कल भी डिगा, डिगेगा ही डिगेगा। जद तक पुन है तुरिया जांदा है, जदों सड़दे हन ओह डिग पैंदा है। महापुरश एक मिसाल देंदे सन, एक साधु जिसनों भगती करके सेवक बनन दी जाच नहीं आई अते थले डिग गया। एक बहुत ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी दे अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनों लाइक अते शेयर जरूर करना। जड़े चैनल ते नवे हन सब्सक्राइब भी कर लेना और बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना और कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक साधु ने एक सोटी रखी हुई सी अते इह सोचिया कि जदों इह सोटी हरी हो जाएगी तां मैं सोचांगा मेरी भगती पूरी हो गई। मन करके जुड़ता सी तां सोटी हरी होनी शुरू हो गई। उस नूं विश्वास हो गया कि
कि मेरी भगती थाए पै रही है। एक दिन एक राजा शिकार खेडन आया। उस जंगल विच साधुआं दे दर्शन करदिया ही उसका भी कोई चंगा कर्म जाग पिया। उसने साधु नूं कहा, मैनू भी नाम दी दात दिओ। साधु ने कहा, तू भी बैठ जा चौंकड़ी मार के माला फड़ ले अते मेरे वांग ही सोटी रख लै। वेख मेरी सोटी हरी होनी शुरू हो गई है। राजे ने इवें ही किया। कुछ दिन बीते एक गृहस्थी जोड़ा रस्ता भुल के भटकदा भटकदा साधु की कुटिया को पहुंचया। उन्होंने सोचा, संतां महापुरशां तो वड्डा केड़ा आसरा है। पर साधु दे मन विच तां हंकार भर गया सी। अपनी भगती दा कि मेरे वर्गा भगत कोई नहीं। उन्होंने बड़े कोड़ेपन नाल बोलिया, तानू नहीं पता मैं भगती करदा पिया हाँ, मैनू क्यों परेशान करी जांदे हो, मेरी भगती दुनिया विच मन्नी जांदी है। इस दे उलट जदों ओह गृहस्थी जोड़ा राजे कोल गया तां राजे ने बड़े आदर नाल उन्होंने बिठाया, जल पानी छकाया, अपनी कुटिया विच रहन नूं जगह दित्ती। उन्हां गृहस्थियां दी रात सौखी कट गई। अगले दिन ओह गए अते राजे ने सोचिया, हुण फिर बैठदा हाँ बंदगी विच, तां की वेख्या सोटी पूरी हरी हो गई। बड़ा हैरान होया। ओह साधु कोल सोटी नूं लै के गया। साधु भी बड़ा हैरान होया। उसने सोचिया, मेरी भी सोटी हरी हो गई क्योंकि मैं तां इतनी देर तो भगती कर रहा हाँ। पर उसने की देखिया कि इसकी भी सोटी ओनी ही हरी है। यह सोच के जो उन्हें अपनी सोटी वापस देखी तो उसने की देखिया कि उसकी सोटी हुण हरी नहीं रही, पहले वर्गी ही हो गई सी। इसका की कारण सी? इसका कारण भगती करके उसके विच होमे आ गई कि मेरे वर्गा कोई भगत नहीं, अते दूजियां नूं नीवा समझना शुरू कर दिता। इस साखी तो यही सेध लैनी है, सब कुछ करके कमाइया करके जे निमाने निताने बन के अरदास करांगे तां देखोगे कितना रस आंदा है। किधरे ऐसा न होवे होमे दा पर्दा पै जावे अते गुरु तो दूर हो जाइए। इस मैं नूं होमे नूं नेड़े नहीं आउण देना, नहीं तां सब कुछ नाश हो जाएगा। अगर तुहाडी जिंदगी विच वी अमृत वेला होवे, बंदगी दी दात प्राप्त होवे, सेवा होवे, तां इह मन विच ना लियाना कि इह मेरा उद्यम है, मैं कीता है, मैं कर रहा हाँ। यही मन विच वसोना कि सारा कुछ मेरे कोलों ओह वाहेगुरु करवा रहा है, उस दी ही कृपा है, तां ही चोलियां भरनगियां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।